हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्लासेस पटना। आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ, ये कितना विनाशकारी था और ऐसी क्या स्थिति बनी कि अमेरिका को जापान पे परमाणु हमला करना पड़ा और ये परमाणु हमला कितना घातक होता है और इससे जापान में क्या क्या प्रभावित हुआ, जापान में कितना प्रभाव पड़ा, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध से होती है। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था, यानी 6 साल के इस महाविनाशक युद्ध में दुनिया के लगभग देश इसमें पार्टिसिपेंट थे, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि कोई डायरेक्ट लड़ रहे थे और नहीं तो इनडायरेक्टली भी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट थे, नहीं तो उनकी इकोनॉमी इसमें प्रभावित हो रही थी, इसीलिए इसे विश्व युद्ध कहा गया है और इसमें पूरी दुनिया को एक अलग तरीके से चेंज कर दिया इस युद्ध ने। द्वितीय विश्व युद्ध को अगर देखिएगा तो डायरेक्टली जो इसमें दो टीम बन गई थी, यानी कि दो ग्रुप्स थे और दो पावर के बीच में इसमें लड़ाई हो रही थी। जैसे क्रिकेट मैच जो होता है आप लोग देखते भी होंगे, तो क्रिकेट मैच में भी दो टीम्स लड़ती हैं, एक टीम होता है और दूसरी टीम होती है, दोनों में फाइट चलती है, जो जीत गया सो जीत गया, एक हारने वाली टीम होती है। उसी तरह से विश्व युद्ध जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसमें भी दो टीम्स बन गई थी, एक टीम का नाम था एलाइड और एक टीम का नाम था एक्सिस। दो ग्रुप्स थी, दो पावर्स थी। एलाइड जो थी इस पावर में कुछ कंट्री थी, यानी कि इधर कुछ देश थे, और एक्सिस दूसरी जो टीम थी इसमें भी कुछ देश थे। तो एलाइड में बेसिकली कौन कौन देश थे, तो एक ब्रिटेन थे, एक फ्रांस था, एक यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक भी से हम कहते हैं, और 1945 में अमेरिका भी इसमें क्या हो गया था, ज्वाइन हो गया था। और अमेरिका के एंट्री से ही द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात करूं तो वो द्वितीय विश्व युद्ध एक तरह से खत्म हो गया था। तो ये एलाइड में कुछ कंट्रीज थे। उसी तरह से एक्सिस में देखिएगा तो एक्सिस में भी कुछ देश थे, जर्मनी थे, इटली थे और जापान था। ये विपक्ष में थे, यानी इसके विपक्ष में था ये देश कुछ, ठीक है। तो ये एक्सिस था और ये एलाइड था। बाकी जो देश इसमें आप नहीं दिख रहा है वो, तो वो इनडायरेक्टली भी इसमें पार्टिसिपेंट थे। जैसे इंडिया तो हम लोग का डायरेक्ट नहीं लड़ रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम लोग इंगेज थे, क्योंकि ब्रिटेन हम क्या थे, ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कर रहा था और ब्रिटेन के तरफ से हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट थे और एलाइड के तरफ थे। तो यानी कि वर्ल्ड की लगभग देश इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज थी, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो बहुत ही महाविनाशक युद्ध था। इसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए, दुनिया की इकोनॉमी चौपट हो गई और बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इतना विनाशक युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ, क्या ऐसी स्थिति बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा इतना महाविनाशक युद्ध हुआ, तो इसको जरा आप समझिएगा। तो इसका जो रूट कॉज है, यानी कि इसकी कहानी जो शुरू होती है वो प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 से 1918 तक चला था, और 1914 से 1918 तक चला था और इसमें भी दो टीम्स थी, और हारने वाली जो टीम थी उसमें जर्मनी था, जर्मनी हारी और जीतने वाली टीम यही टीम थी जो जीती थी उस प्रथम विश्व युद्ध में भी, और इस टीम ने, जीतने वाली टीम ने जर्मनी, उस समय जर्मनी की आर्मी में हिटलर थे जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, और जर्मनी हार जाता है। जब जर्मनी हारता है तो ये टीम, जीतने वाली टीम, जर्मनी पर एक बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक हार्स, एक ट्रीटी साइन करता है, एक संधि साइन कर देता है जिसका नाम था वर्साई की संधि, जिसे इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी कहते हैं। यह इतना अपमानजनक संधि था जर्मनी के लिए कि जर्मनी की ज़्यादातर जो लैंड थी, जैसे रूहर एरिया था, राइनलैंड था, ये सब छीन लिया गया, वहाँ के रिसोर्सेज छीन ली गई, उनको अपमान, बहुत अपमानित किया गया, यानी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। और हिटलर उस समय सेना में था, हिटलर ने उसी समय प्रण किया कि आज तो मैं हार गया हूँ, तो इतना अपमानजनक मुझे संधि सहना पड़ा है, लेकिन मैं जिस दिन पावर में आया चुन चुन के सभी से बदला लूँगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का वीजा रोपण अगर आप देखिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध से ही शुरू हो गई थी। तो ये कंडीशन था कि जब पावर में हिटलर आया तो इन सारे देशों को एक तरह से परास्त करने के लिए, बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रतिशोध की ही लड़ाई थी, यानी बदले की लड़ाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था उसका हम बदला ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक हुआ, इसके शुरुआती फेज को अगर आप देखिएगा तो इसमें जर्मनी और हिटलर बहुत भारी पड़ रहे थे। हिटलर और जर्मनी बहुत पावरफुल थे और उनको दो मोर्चों पे युद्ध लड़ना पड़ा था। अगर आप देखिएगा तो जो जर्मनी है, तो जर्मनी के जो वेस्ट में
आपको ब्रिटेन दिखेगा, और जो उसके सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है तो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट पे फ्रांस दिखेगा। तो यानी कि दो मोर्चों पर उसको युद्ध लड़ना पड़ रहा था जर्मनी। जर्मनी दो कंट्री से एक टाइम पे युद्ध लड़ रहे थे, एक तो वेस्ट में किससे, ब्रिटेन से, और साउथ और वेस्टर्न साइड में फ्रांस से। लेकिन इन दोनों देश को अकेले जर्मनी हालत खराब करके रख दिया था, दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। यानी इतना पावरफुल था शुरुआती दौर में हिटलर की सेना और उसकी पूरी आर्मी और पूरा हिटलर का जो जर्मनी था, इतना पावरफुल था। लेकिन बाद के आप पीरियड में देखिएगा, यानी 1942 के बाद, 1942 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी की डाउनफॉल होनी शुरू हो गई। यानी जर्मनी यहाँ पर, या हिटलर के द्वारा एक गलती हो गई। हिटलर ने अपने स्पेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने जर्मनी को और एरिया बढ़ाने के लिए दूसरे पार्ट्स को कब्जा करना चाहा, और इसी कब्जा में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जिसे आज हम रसिया बोलते हैं। उस समय यूएसएसआर, यूनियन सोवियत और सोशलिस्ट रिपब्लिक, या सोवियत संघ, सोवियत यूनियन कहा जाता था। इस सोवियत यूनियन पर हमला करना हिटलर की सबसे बड़ी गलती है, बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है। ये बहुत बड़ी गलती थी, यहीं से हिटलर के डाउनफॉल शुरू हो गए। सोचिए, जो आज यूएसएसआर या रसिया है, वो सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड में, सबसे बड़ी जो एरिया वाइज कंट्री, एरिया के मामले में वो रसिया है। रसिया बहुत बड़ी है, और आज से पहले वो सोवियत यूनियन था, और आज जो रसिया बना है तो उसे 15 देश टूट कर अलग हो गए हैं। सोचिए, सोवियत यूनियन जब हुआ करता था तो ये कितना बड़ा था, ये आपको यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था, और इसमें 15 देश आज जो टूट गए 1992 में, 15 देश इस सोवियत यूनियन से टूट के अलग हो गए, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, इस तरह से 15 देश करके थे। सोचिए, ये सारे जब एक जैसे थे, कजाकिस्तान वगैरह इससे जुड़े हुए थे, तो सोवियत यूनियन कितना बड़ा कंट्री था। इतने बड़े कंट्री जहाँ पर इतना बड़ा देश है, पहली बात। दूसरी चीज़ें, यहाँ पर इतना एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, वहाँ पर आप सोचिएगा कि हम कब्जा कर ले अपनी आर्मी को अटैक करके, तो इतना आसान काम है नहीं। क्योंकि इससे पहले एक और व्यक्ति ने इस पर प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास नाकामयाब हुआ था, और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट की भी एक तरह से डाउनफॉल, या उनकी पतन शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये सोवियत यूनियन पर हमला से शुरू हो गई थी। यहाँ पर हिटलर से भी यही गलती होती है। हिटलर ने क्या किया, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, ताकि क्या किया जा सके, हम ईस्टर्न पार्ट में कब्जा करके हम अपनी एरिया को बढ़ा लेंगे। और सोवियत यूनियन पर जैसे ही हमला किया, तो यहाँ पर तो एक्सट्रीम ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एरिया बहुत बड़ा है। रेड आर्मी, जो रसिया की आर्मी, यानी यूएसएसआर की जो आर्मी थी, रेड आर्मी, उन्होंने इसको क्या किया, ईस्टर्न फ्रंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया, इसको युद्ध झेलनी पड़ गई। जर्मनी को अब तीन मोर्चों पे युद्ध लड़ना पड़ रहा था, एक तो पश्चिमी यानी वेस्टर्न फ्रंट पे, एक ईस्टर्न फ्रंट पे रसिया यानी यूएसएसआर से, और एक सदर्न वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस से। और तीनों जगह से जब युद्ध लड़ना पड़ा, तो डाउनफॉल शुरू हो जाती है, यहाँ से उसकी पतन स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसी क्या स्थिति बनी कि जो अमरीका यानी यूएसए, जिसने शुरू में बोला कि हम क्या करेंगे, हम द्वितीय विश्वयुद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध में पार्टिसिपेट करने से हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमारे देश की अभी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, इसलिए हम द्वितीय विश्वयुद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसा क्या हुआ कि अमरीका को मजबूरी में द्वितीय विश्वयुद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा, और साथ में जापान पे परमाणु जैसा विनाशकारी हमला करना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति बनी थी। इसका रिलेशन जो है वो पर्ल हार्बर के इवेंट्स हैं। यानी जापान ने अमेरिका का एक नेवल बेस था जिसे पर्ल हार्बर बोलते हैं, और इस पर्ल हार्बर पर अचानक 300 एयरप्लेन से हमला किया था, जिससे पूरा अमेरिका का नेवल बेस तबाह हो गया था। और इसी को रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका ने क्या किया था, जापान पे परमाणु हमला कर दिया था। अब इसको ज़रा समझिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि जापान, अचानक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि चलो आज सोकर उठते हैं और जापान बोला कि चलो आज पर्ल हार्बर पर अटैक करके आते हैं। कुछ ना कुछ तो पहले घटना हुई होगी जिसके कारण अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर क्या किया था, जापान ने हमला कर दिया था। क्या हुआ था ऐसा, तो इसको जरा समय में पीछे चल के समझते हैं। देखिए, अमेरिका भी पहले ब्रिटिश का कॉलोनी था, यानी ब्रिटिश का गुलाम था। जिस तरह से इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, वैसे ही अमरीका भी पहले ब्रिटिश का गुलाम था। यानी ब्रिटेन उस पर कब्जा करके रखा था, और वहाँ पर क्या करती थी, वो अपनी वहाँ से सामान वगैरह का ट्रेड वगैरह करता था। अमेरिका को 1775 में, यानी 1775 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है, यानी आज़ादी फाइनली ब्रिटेन से मिल जाती है। जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो अमेरिका ने क्या करता है, अमेरिका अपना ट्रेड वगैरह करने लगता है, अपनी डेवलपमेंट करने लगती है, और धीरे धीरे ट्रेड करने से उनकी इकोनॉमी में पैसा आता है, और धीरे धीरे अमेरिका डेवलप होना शुरू हो जाता है।
और मिड 18 सेंचुरी आते आते यानी मिड 19 सेंचुरी आते आते अमेरिका पूरी तरह से क्या हो चुका था, डेवलप हो चुका था। अमेरिका के पास पैसा था, अमेरिका के पास हथियार था, अमेरिका ठीक ठाक ग्रोथ अमेरिका की हो चुकी थी। जब अमेरिका की ग्रोथ हो चुकी थी तो उन्होंने वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से क्या करना शुरू कर दिया, बोला कि आप ट्रेड करिए हमारे साथ, आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए यानी आप अपने कंट्री में भी हमें ट्रेड करने दीजिए। और इसी क्रम में उन्होंने जापान, जापान भी पहले क्या थी, जापान की इकोनॉमी पहले ओपन अप नहीं थी यानी जापान अपने यहाँ सारा कुछ करता था यानी अपने यहाँ प्रोडक्शन करता था, अपने यहाँ कंज्यूम कर लेता था, सारी चीज़ें अपने यहाँ करता था, बाहरी किसी देश से वो ट्रेड और बिजनेस वगैरह व्यापार वगैरह नहीं करता था। जापान कहावत ना, कुएं का मेढक बनकर बैठा था यानी अपने यहाँ सब कुछ करता है, बाहर की दुनिया से उसे कोई रिलेशन लेना देना नहीं था। अमरीका जापान के पास गया और जापान के पास बोला जाकर कि आप अपनी भी इकोनॉमी क्या करिए खोलिए, आप हमारे साथ व्यापार करिए। अब यहाँ पर आप कहोगे कि अमरीका और जापान तो वर्ल्ड मैप में बहुत दूर दूर दिखता है, अमेरिका एकदम वेस्ट में है, जापान एकदम ईस्ट में है, बीच में इंडिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, बहुत सारा देश है, तो इतना दूर कैसे चला गया। तो देखिए वर्ल्ड मैप में आपको केवल मतलब कि अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरी दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप ग्लोब में देखिएगा, आपको पता है दुनिया गोल है, ग्लोब में अगर आप देखिएगा तो अमरीका और जापान बहुत पास हैं, बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, बीच में एक केवल क्या है, एक पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है, बाकी एकदम अमेरिका के वेस्ट में देखिए और जापान के एकदम ईस्ट में देखिएगा तो बीच में पैसिफिक ओशियन से जुड़ाव है और एकदम पास पास अमेरिका और जापान है। तो अमेरिका ने क्या किया, जापान को बोला कि आप अपनी इकोनॉमी खोलिए और नहीं, अगर इकोनॉमी खोलिएगा नहीं व्यापार करने दीजिएगा तो हम आपके यहाँ कर देंगे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे यानी आप पर हम अटैक करेंगे। तो इस डर से जापान ने 1867 में क्या कर दिया, 1867 में 1867 में अपनी इकोनॉमी को, अपनी एक तरह से बैरियर को उन्होंने हटाया और अमेरिका के लिए वो ट्रेड वगैरह करने के लिए अनुमति दे दिया। तब उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से जापान की ट्रेड होने लगी, अलग अलग जगह से बिजनेसेस होने लगे, अलग अलग जगह से इकोनॉमी एक्सचेंज होने लगी। इस क्रम में क्या हुआ कि दूसरे देश से तो ट्रेड होता था, उनको फ़ायदा होता था, लेकिन इससे जापान को बहुत फ़ायदा हुआ और जापान की इंपीरियल पावर, बाद में वहाँ पर मोनार्क आ गया, जापान को इतना फ़ायदा हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जापान डेवलप करने लगा और एकदम लास्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट में एकदम 19 सेंचुरी आते आते तक जापान बहुत डेवलप कर चुका था, उसके पास खूब पैसा आ चुका था व्यापार से जो ट्रेड हो रहे थे, और इतना पैसा आ चुका था, इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी कि उस पैसा से वो क्या करने लगा, अपनी इकोनॉमी को तो अच्छा कर ही लिया, साथ में वो उससे अलग अलग हथियार वगैरह खरीदने लगे, अलग अलग जगह युद्ध के लिए बहुत सारा वो वेपन्स खरीदने लगे और अपने कंट्री में वो बहुत सारा हथियार वगैरह खरीद के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी वेलबिंग हो चुके थे। जब हथियार आ गया, जब पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तो जापान क्या करने लगा, आसपास में वो अपनी एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया, बोला कि अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास हथियार है, क्या दिक्कत है, पावर तो सब कुछ मेरे पास है। तो उन्होंने अपने आसपास के एरिया को उन्होंने क्या किया, कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया को कैप्चर कर लिया, जापान चाइना को धोना शुरू कर दिया, साइनो जैपनीज वॉर जो कि 1896 में फर्स्ट लड़ा गया और उसके बाद से और भी युद्ध शुरू हो गए। इस युद्ध में जापान ने चाइना को एकदम धो दिया और उसके सारे एरिया को उन्होंने क्या कर लिया, मतलब बहुत सारे एरिया को कब्जा करना शुरू कर दिया और एशिया में इतना पावरफुल बन चुका था कि जापान से टकराने वाला कोई नहीं था, जापान भूत बन चुका था कि कोई भी आए उसको हम कब्जा कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी, पूरे एशिया में उत्पात मचा के रखा था। और जापान चाहता था कि पूरे पैसिफिक ओशियन में भी हम क्या कर लें, कब्जा कर लें। और यही डर था किसको, यही डर था अमेरिका को कि जापान तो अब इतना पावरफुल हो चुका है, जापान के पास हथियार है, सब कुछ है, अमेरिका को ये डर था कि कहीं जापान मतलब कि प्रशांत महासागर में कब्जा करके उन पर ना अटैक कर दे। और जब चाइना पर अटैक करके साइनो जैपनीज वॉर चलने लगा और चाइना के टेरिटरी को जीतना शुरू कर दिया, एशिया में जब बहुत सारी टेरिटरी एरिया को जीत लिया, तो अमेरिका ने इस डर से जापान पे सेंसर्स लगाने शुरू कर दिए। सेंसर मतलब ट्रेड कट सेंसर, यानी आपको व्यापार नहीं करने देंगे, आपको सामान नहीं देंगे, इस तरह से बहुत सारी प्रतिबंध या सेंसर्स लगा दिए। अब जब सेंसर्स लगा दिए तो जापान भी एकदम गुस्सा था, बोला कि ये एक तरह से चाइना को अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम अपनी टेरिटरी को भले ही बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक दुश्मनी पहले ही बन चुकी थी जापानी जैपनीज के मन में और वो इसका बदला प्रतिशोध वो लेना चाहता था कि किसी तरह से वो चाहता था कि पैसिफिक ओशियन में कब्जा कर लिया जाए, प्रशांत महासागर में, और आगे बढ़ के अमरीका के भी एरिया को क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए, ताकि मेरे आसपास में मुझसे टकराने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। इसी क्रम में आगे जब बढ़ने लगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो इसमें
जापान मैंने आपको बताया कि ये क्या हुआ, एक्सिस के तरफ से लड़ रहे थे, और जापान ने इसी क्रम में क्या किया, अचानक 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अपने 300 एयरक्राफ्ट्स को पर्ल हार्बर, यानी कि अमेरिका का हवाई आइलैंड एक है वेस्ट में, अमेरिका के हवाई आइलैंड में एक पर्ल हार्बर नेवल बेस है, उस नेवल बेस पे 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक हमला कर दिया 300 एयरक्राफ्ट से, जो कि अमेरिका को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ये हमला होगा। और ये इतना खतरनाक हमला था कि इस हमले में, ये सुबह के समय में हमला किया गया था 8 बजे के बाद, और ये हमले में कहा जाता है कि वहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा वहाँ पर जो जंगी जहाज थे, जो एक तरह से बैटल शिप्स थे, उसको तबाह कर दिया। वहाँ पर जो 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो मतलब नेवी थे, जो आम जनता थी वहाँ, वो भी मारी गई। बहुत नुकसान हुआ इससे अमेरिका को, अच्छा खासा नुकसान हुआ। जैसे ये हमला हुआ, ये नुकसान हुआ अमेरिका, अमेरिका अगले ही दिन वॉर में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंटर कर गया, बोला कि अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और एक तरह से होता है ना, सोया शैतान को आप जगा दिए, शैतान सो रहा था उसे आप जगा दिए। और उसके अगले ही दिन जापान के खिलाफ अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, शैतान को जगाया है, अब हम नहीं मानने वाले। और अगले ही दिन उन्होंने मतलब एलाइज के तरफ से, जो कि उस समय ब्रिटेन की हालत ख़राब थी, फ्रांस की हालत ख़राब थी, यूएसएसआर की हालत ख़राब थी, और अमेरिका डायरेक्ट उस वॉर में इंटर कर गया, और इससे एलाइज की ताकत तो बहुत मजबूत हो गई। एलाइज में जो कि देश थे उसकी तो पावर बहुत मजबूत हो गई, लेकिन जो विपक्ष में थे, यानी कि जो अपोजिशन थी, इसमें आपको जर्मनी था, जापान था और इटली था, ये तो पहले से ही कमज़ोर थे, यानी जर्मनी की तो हालत पहले से ही ख़राब हो रखी थी, अब और हालत ख़राब होने लगी। अमेरिका इंटर करते ही एकदम से अटैक शुरू हो गया। उसी समय अमेरिका में कुछ साइंटिस्ट, जिसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के एक प्रमुख साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका में परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। और उस समय 1945 आते आते अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे वो टर्मन बन चुके थे, यानी पहले कौन थे, रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति टर्मन बन गए थे। टर्मन ने कहा कि न्यूक्लियर पर काम करो, यानी कि परमाणु बम पर जल्दी काम करो। और जो नेतृत्व में था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में, उन और भी साइंटिस्ट के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम एकदम सफल होने के कगार पे पहुंच गया, और इसीलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ही परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम बना के उसका पहला टेस्ट न्यू मैक्सिको में, एक डेजर्ट वाला जो एरिया था बैरन में लैंड पर, वहाँ पर परमाणु बम का पहला टेस्ट हुआ अमरीका में 16 जुलाई 1945 को। जैसे ही टेस्ट हुआ, ये इतना खतरनाक टेस्ट था कि इस मशरूम आकार का एक धुआं उठा और एकदम ये धुआं पूरी तरह से फैल गया और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अमेरिका को समझ में आ रहा था कि ये परमाणु बम मेरा सफल हो गया है, अब हम इसे किसी कंट्री पर टेस्ट कर सकते हैं। और इसी समय अमेरिका ने अपने पावर को दिखाने के लिए और जापान को रोकने के लिए, जापान जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, जापान और ज़्यादा मतलब एक तरह से पूरी मतलब अटैक कर रहा था चारों तरफ से, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया, चलो अब इसका फाइल निपटा ही देते हैं। तो 6 अगस्त 1945 को राष्ट्रपति टर्मन के नेतृत्व में B-52 एरोप्लेन में परमाणु बम को सेट करके, यानी B-52 एरोप्लेन बहुत ही पावरफुल एरोप्लेन था, इसी से अलग अलग जगह बम्स बॉम्बिंग की जाती थी। 8 इंजन का ये एरोप्लेन था, बहुत ही पावरफुल एरोप्लेन था। B-52 एरोप्लेन से जापान के हिरोशिमा शहर को चुना गया, यही हिरोशिमा शहर है, इसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत पॉपुलेशन है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर लगती है, यहीं पर क्या किया जाए, परमाणु बम का अटैक किया जाए। सारी लोकेशन सेटअप होने के बाद, सारा परीक्षण वगैरह करने के बाद 8:45 पर यह विमान B-52 एरोप्लेन जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुँच गई। और 8:45 पर आपको पता है कि सुबह का समय है, सुबह का समय में जापान में हर लोग अपनी दैनिक जो सुबह की एक्टिविटी है वो कर रहे थे, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे थे, महिलाएं अपने घर का काम कर रही थी, और भी जो लोग थे अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे, सुबह का जो कार्य होता है, हर आम जनजीवन चल रही थी, भीड़ था बहुत ज़्यादा। उसी समय जापान पर 6 अगस्त 1945 में
लिटिल बॉय बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय बम था, ये बेसिकली यूरेनियम से बना हुआ बम था। लिटिल बॉय बम को 8:45 पर ऊपर से गिरा दिया गया है, यानी हिरोशिमा के शहर के ऊपर से ये बम गिराया गया है। ये बम गिरा दिया गया और ये बम को 44 का समय लगा इसको नीचे आने में। जैसे जैसे नीचे आ रहा था और जैसे ही सरफेस के पास पहुंचा, यानी अर्थ के पास एकदम सरफेस पर, तो हिरोशिमा शहर के नज़दीक पहुंचते ही इसमें न्यूक्लियर चैन रिएक्शन हुआ और जैसे ही पहुंचते ये फटा, इतना खतरनाक विस्फोट हुआ। कहा जाता है कि इस विस्फोट से 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वहाँ पर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। समझ सकते हैं ना, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर से 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया के लोग तो सीधा पानी बनकर उड़ गए। सोचिए इतना टेम्परेचर को बर्दाश्त कैसे कोई कर सकता है, इतना टेम्परेचर, इतने में सब पानी बन के उड़ गए और लगभग 80,000 लोग, मासूम लोग उसी समय मारे गए। 80,000 लोग, उस आसपास के जितने भी घर वगैरह टूट गए, शीशे टूट गए, पूरी तरह से विनाश हो गया। और जो दूर थे वो सोचे कि हम तो बच गए, लेकिन वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि इस परमाणु बम से जो रेडिएशन निकला, जो प्रदूषण निकला, जो पॉल्यूशन निकला, उस रेडिएशन के चपेट में वो लोग भी आ गए जो दूर दराज थे। उनके पॉल्यूशन, उनके रेडिएशन में चपेट में आने से उन लोगों के शरीर में भी क्या हो गया, एक तरह से कैंसर जैसी घाव लग गई और स्किन खराब हो के उन लोगों की भी डेथ हो गई। उनकी पूरी स्किन खराब हो जाती थी, स्किन गलने लगी और इतनी दर्दनाक मौत होने लगी कि ये बहुत ही विनाशकारी घटना पूरे जापान के हिरोशिमा का था। उसके आसपास में भी जापान, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कितना, मतलब एक बम की कैपेसिटी उस समय तक तो छोटी थी कि हाँ एक बम गिरेगा, ठीक है बम कितना बड़ा होता है, लेकिन पता नहीं ये कौन सा तबाही था, इतना खतरनाक अटैक, कोई बच ही नहीं पाया, उसके रेडिएशन से लोग मर रहे हैं, जो आसपास में आया उसके चपेट से मर गए, और भारी तबाही थी। जापान इसे झेल नहीं पाया, जापान इसे अभी सोच ही पाता था कि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर एक और बम गिराया गया, जिस बम का नाम था फैट मैन। इस बम का नाम था क्या था, लिटिल बॉय था, लेकिन वहाँ पर जो बम गिराया 9 अगस्त को, 3 दिन बाद, मात्र 9 अगस्त कितना हो जाता है, 6 से 9, यानी 3 दिन बाद ये बम गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, एक और बहुत ही डेवलप शहर था, उस शहर पे 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर पे फैटमैन बम को, परमाणु बम को गिराया गया था, जो प्लूटोनियम का बना हुआ था। इस बम को भी गिराया गया और ये बम जैसे ही गिरा तो यहाँ पर भी तबाही आई और 40,000 लोग तो उसी समय मारे गए जब इस बम के धमाके में, बाकी जो दूर बचे थे वो आसपास में रेडिएशन से मारे गए। जापान में लगभग इस समय तक, यानी 9 अगस्त आते आते लगभग 2,00,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, मासूम लोग थे और रेडिएशन के चपेट में आने से मौत हुई थी। जापान इसे सहन नहीं कर पाया, इतना पावरफुल देश, और जापान उसे अगले ही दिन जापान सरेंडर कर दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, अब हमें, हम इस बर्बादी को झेल नहीं सकते। नहीं, अगर सरेंडर करते तो अमेरिका एक और परमाणु बम गिराने का प्लान बना रहा था, जो कि 14 अगस्त 1945 को कोकुरा जगह पर, जापान का ही एक पार्ट था कोकुरा, कोकुरा पर ये बम गिराने का प्लान बना चुका था कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो एक और बम इसे गिरा देंगे। लेकिन जापान इसी 2 परमाणु बम से सहन नहीं कर पाया और अगले ही दिन जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान के आत्मसमर्पण होते ही एलाइड जीता और एक्सिस पूरी तरह से हार चुका था। हिटलर ने अपने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लिया और इसी के साथ विश्व युद्ध का अंत होता है। और ये विश्व युद्ध का अंत के बाद जो मित्र देश थे, यानी कि एलाइड पावर थे, जिसमें आपको फ्रांस था, जिसमें आपको ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस था, ये सारे लोग क्या हो गए, जीत गए। और इसी के साथ इतना दुखद अंत, सोचिए परमाणु हमला कोई आसान बात नहीं है। सोचिए आज भी जापान में वहाँ के लोग लूला लंगड़ा पैदा होते हैं, क्योंकि उसका रेडिएशन अभी भी वहाँ बरकरार है। और अब धीरे धीरे चीज़ें तो बदल रही है, लेकिन अभी भी कितना खतरनाक उसका परमाणु हमला है कि लोगों को, मतलब स्किन तक उसके रेडिएशन से प्रभावित है। बाद में जाके जापान ने बोला कि ये कितना तबाही है, युद्ध वगैरह मुझे नहीं लड़ना है,
ठीक है। और आज आपको पता है कि जापान अपनी कोई आर्मी नहीं रखी है, जापान के पास कोई आर्मी नहीं है, जापान एक बिना आर्मी वाला देश है। और बाद में अमेरिका को इस पर बड़ी दया आती है, जापान अमेरिका को ऐसा फील होता है कि हमने क्या किया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका हमें पश्चाताप प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। और अमेरिका ने जापान को बोला कि तू आर्मी नहीं रखेगा तो तुम्हारी प्रोटेक्शन हम करेंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो और भी तुम प्रोग्रेस करो, तुम्हारी आज से प्रोटेक्शन कौन करेगा, हम करेंगे। और अमेरिका आज जापान की प्रोटेक्शन करती है और जापान पर कुछ भी होगा तो उस पर अमेरिका की पूरी एक तरह से एयरफोर्स आर्मी वगैरह वहाँ पर डिप्लॉय है और अमेरिका की जिम्मेवारी है जापान की रक्षा करने का। सोचिए इतना खतरनाक ये परमाणु हमला था और इस परमाणु हमला को झेलने के बाद भी आज जापान दुनिया में सबसे डेवलप कंट्रीज़ में अपना एक स्थान रखता है। वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। सोचिए जापान ने कितना बढ़िया से ग्रोथ किया और सारी चीज़ों से उभर पाया और ये इतना खतरनाक हमला था। सोचिए उस समय, ध्यान सुनिएगा, उस समय दो परमाणु हमला से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा जापान में, जापान की ह्यूमन यानी कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना। आज तो दुनिया में परमाणु बम की कमी नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका के पास 12,000 वॉरहेड्स यानी वेपन्स है, परमाणु बम है। रसिया के पास 6,000 परमाणु बम है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, दुनिया के लगभग 9 देशों के पास 8 देशों के पास परमाणु बम है। सोचिए आज अगर विश्व युद्ध हो जाए, आज परमाणु हमला हो जाए तो लगता है आपको कि विश्व में कोई देश बच पाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो परमाणु हमला ये किसी भी देश के लिए एक सही संकेत नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि पीस बना के रखा जाए, इससे जितनी दूरी हो सके वो बना के रखा जाए, क्योंकि इससे लड़ने पे किसी का भला नहीं होने वाला है। आज जापान जो भुगत रहा है, जापान जो देखा, वो पूरी दुनिया दहल गई उससे, जापान से के हमला से। तो कहीं ना कहीं इससे में हमें पीस बना के रखना चाहिए। और ये पूरी घटना जो मैंने आपको कोशिश की है कि अच्छे से बताने की, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध का घटना क्या था, परमाणु हमला क्यों हुआ, क्या बैकग्राउंड थी, सारी बातें आपको बहुत ही डिटेल में मैंने बताई है। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा है लेकिन इसमें आप अगर आप समझिएगा तो आपको बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं। सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।